हेलो लेडीज आउट देयर, तो आज हम करवा चौथ की तैयारी कर रहे हैं और सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं। अब जो करवा चौथ हम रखते हैं तो सबसे बड़ी चीज जो हमें परेशान करती है वो है प्यास। हम अक्सर सुनते हैं खाने का तो कुछ नहीं बट प्यास बहुत लग रही है, तो हमारे को सुबह सर्दी में ऐसी क्या क्या चीजें खानी चाहिए जिससे कि हमें पूरा दिन एनर्जेटिक रहे और हमें प्यास भी कम लगे। तो आज हम उस सुबह की सर्दी के बारे में बात करते हैं। सर्दी में जो आपने चीजें खानी हैं वो है, चाहे आप चावल खा लें, गेहूं का आटा ले लें, उसमें सब्जियां जरूर हो, दालें हो, कर्ड जरूर हो, और फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स हो, थोड़े से नट्स हो, और कुछ मीठा होना है तो घर में हमारी सेवियां बनती हैं, ये एक शगन होता है, वो आप इंक्लूड कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आप अपना इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप नारियल पानी जरूर लें सुबह। अब वो कौन सी चीजें हैं जो कि आपको दिन में आपकी प्यास को बढ़ाएंगे, वो है फ्राइड फूड, ज्यादा मिर्च मसाले खाना, ऑयली फूड खाना, क्योंकि उससे हमारा जो बॉडी का पीएच बैलेंस है वो बिगड़ जाता है और हमें प्यास बहुत ज़्यादा लगती है उस फूड को मेटाबोलाइज करने में, उसकी डाइजेशन में। इन चीज़ों को आप अवॉइड करें। दूसरी, चाय और कॉफ़ी, ये दोनों डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं, इनको पीने के बाद आपकी प्यास बढ़ जाती है। सो ट्राई एंड अवॉइड चाय, कॉफ़ी, फ्राइड फूड, स्पाइसी फूड, और इंक्लूड करना है हमने उसकी जगह कोकोनट वाटर। और आई होप यू हैव अ ग्रेट करवा चौथ एंड यू एंजॉय द फेस्टिवल। थैंक यू।